नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है अजीमाबाद एक्सप्रेस के बारे में, जो कि पटना जंक्शन बिहार से अहमदाबाद जंक्शन गुजरात के बीच में हफ्ते में दो दिन चलती है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है अजीमाबाद एक्सप्रेस के बारे में, जो कि पटना जंक्शन बिहार से गुजरात के अहमदाबाद जंक्शन के बीच में हफ्ते में दो दिन चलती है। पटना जंक्शन से अजीमाबाद एक्सप्रेस जो है हर बुधवार और शुक्रवार को चलती है। अब ये ट्रेन जो है नए अपडेटेड टाइम टेबल और टिकट किराए के साथ चल रही है। तो सभी चीज़ों की, इस ट्रेन की सभी चीज़ों की डिटेल्स जो है हम डिस्कस करेंगे। पटना जंक्शन से अहमदाबाद जंक्शन तक का जो दूरी है ये 28 घंटे 5 मिनट में कवर करती है, और इसके तकरीबन 19 स्टेशन हैं। 1762 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 63 किलोमीटर पर आवर। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है और आपकी टिकट में सुपरफास्ट चार्ज भी साथ में जोड़ा जाएगा। LHB कोचेस वाली ट्रेन है। वेब 7 इंजन के साथ चलाया जाता है और इसका ट्रेन नंबर है 12948। अगर बात करें रूट मैप के बारे में तो ये पटना जंक्शन से स्टार्ट होती है, फिर आरा होते हुए ये उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में पहुंचती है, फिर प्रयागराज, कानपुर, टुंडला, आगरा फोर्ट होते हुए ये ट्रेन जो है राजस्थान में एंटर करती है। राजस्थान में सवाई माधोपुर जंक्शन, कोटा जंक्शन होते हुए ये मध्य प्रदेश के नगदा, रतलाम होते हुए ये ट्रेन जो है गुजरात के अहमदाबाद जंक्शन में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। अगर बात करें अजीमाबाद एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में तो मैं जो अभी आपको अजीमाबाद एक्सप्रेस का टिकट किराया बताऊंगा वो पटना जंक्शन से अहमदाबाद जंक्शन तक का होगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। तो अजीमाबाद एक्सप्रेस में सेकंड AC का कोच है, जिसका पटना से अहमदाबाद तक का जो टोटल किराया है वो है 2725 रुपये, जिसमें 2500 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज 130 रुपये है। टोटल किराया 2725 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड AC के कोच भी हैं। थर्ड AC का जो टोटल किराया है पटना से अहमदाबाद तक का वो है 1895 रुपये, जिसमें 1719 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज 91 रुपये है। टोटल किराया 1895 रुपये बनता है। इसके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के कोच भी हैं। स्लीपर क्लास का अजीमाबाद एक्सप्रेस का पटना से अहमदाबाद तक का टोटल किराया 725 रुपये है, जिसमें 675 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 30 रुपये है। टोटल किराया 725 रुपये बनता है। ये अपडेटेड है और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा इस ट्रेन में सेकंड सीटिंग यानी कि जनरल डिब्बे भी हैं। जनरल डिब्बों में आपको सेकंड सीटिंग का किराया लगता है, यानी कि आपको जनरल डिब्बों में रिजर्वेशन के साथ जाना है। 440 रुपये टोटल किराया है पटना से अहमदाबाद तक का, जिसमें 410 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 15 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज 15 रुपये है। टोटल किराया 440 रुपये है। ये तो हो गई टिकट किराए की बात। आगे बात करेंगे अजीमाबाद एक्सप्रेस जो कि पटना से अहमदाबाद जंक्शन के बीच में चलती है, उसका टाइम टेबल क्या है और उन स्टेशन पर जो भी स्टेशन इसके आते हैं उन पर कितनी देर का स्टॉप है। अजीमाबाद एक्सप्रेस जिसका ट्रेन नंबर है 12948 पटना जंक्शन से हर बुधवार और शुक्रवार को रात को 11:45 पर ये एक नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है, और 28 घंटे 5 मिनट बाद ये ट्रेन जो है अहमदाबाद गुजरात में पहुंचती है। जो दूसरा स्टेशन है वो है दानापुर जंक्शन पटना बिहार, यहाँ पर ट्रेन जो है रात के 12:01 पर पहुँचती है और 12:03 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 9 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस के साथ यहाँ पर इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है आरा जंक्शन बिहार में पहुँचती है रात के 12:27 पर और 12:29 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। अजीमाबाद एक्सप्रेस का यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, आरा जंक्शन में ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है, और पटना से आरा की जो दूरी है तकरीबन 50 किलोमीटर के करीब ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। आरा जंक्शन का स्टेशन कोड है ARA। इसके बाद अजीमाबाद एक्सप्रेस जो है आरा जंक्शन से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर बिहार के आखिरी स्टेशन पर पहुँचती है। बिहार का आखिरी स्टेशन इस ट्रेन का है बक्सर। बक्सर रेलवे स्टेशन पर ये रात के 1:10 पर पहुंचती है और 1:12 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, और 118 किलोमीटर के करीब जो है पटना से बक्सर तक की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। उत्तर प्रदेश के पहले स्टेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसे मुगल सराय भी कहा जाता था, यहाँ पर ट्रेन जो है रात के 3:05 पर पहुँचती है और 3:15 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। 212 किलोमीटर के करीब जो है ये पटना जंक्शन से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का स्टेशन कोड है DDU, और इसके बाद ये ट्रेन जो है
इलाहाबाद जंक्शन या प्रयागराज जंक्शन में पहुंचती है। प्रयागराज जंक्शन में ट्रेन जो है सुबह 5:30 पर पहुंचती है और 5:35 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 365 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद प्रयागराज के बाद ये ट्रेन जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर सेंट्रल में पहुंचती है। कानपुर सेंट्रल में सुबह 8:00 पहुंचती है और 8:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 558 किलोमीटर के करीब जो है पटना से कानपुर सेंट्रल तक की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है टुंडला जंक्शन उत्तर प्रदेश में पहुंचती है सुबह 11:50 पर और 11:55 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 3 या 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। उत्तर प्रदेश के आखिरी स्टेशन आगरा फोर्ट या आगरा किला में ये ट्रेन जो है दोपहर के 12:30 पर पहुंचती है और 12:35 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 812 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है बयाना जंक्शन में पहुंचती है। बयाना जंक्शन राजस्थान का पहला स्टेशन है। यहाँ पर ट्रेन जो है दोपहर के 2:33 पर पहुँचती है और 2:35 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। राजस्थान के दूसरे स्टेशन और इस ट्रेन के 11वें स्टेशन गंगापुर सिटी में यह ट्रेन जो है अजीमाबाद एक्सप्रेस जो है दोपहर के 3:35 पर पहुंचती है और 3:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 974 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। अजीमाबाद एक्सप्रेस जो है सवाई माधोपुर जंक्शन में शाम के 4:10 पर पहुँचती है और 4:20 पर पहुँचती है और 4:25 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। कोटा जंक्शन राजस्थान में ट्रेन जो है शाम के 5:40 पर पहुँचती है और 5:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और तकरीबन 1147 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। कोटा जंक्शन का स्टेशन कोटा कोटा KOTA। इसके बाद नगदा जंक्शन मध्य प्रदेश में रात के 9:05 पर पहुंचती है और 9:07 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1373 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है रतलाम जंक्शन मध्य प्रदेश में पहुंचती है रात के 9:45 पर और 9:55 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1412 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है RTM। रतलाम जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है वडोदरा के छायापुरी रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है रात के 1:25 पर और 1:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 15 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 1665 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। छायापुरी का स्टेशन कोड है CYI। इसके बाद ये ट्रेन जो है आनंद जंक्शन गुजरात में पहुंचती है रात के 2:19 पर और 2:21 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1698 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है ANDD। आनंद जंक्शन के बाद अजीमाबाद एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो अपने सेकंड लास्ट स्टेशन नादिया जंक्शन गुजरात में पहुंचती है। यहाँ पर ट्रेन जो है रात के 2:35 पर पहुंचती है और 2:37 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1716 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद अजीमाबाद एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन अहमदाबाद जंक्शन गुजरात में रात के 3:50 पर पहुंचती है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो दूरी है ये पटना से अहमदाबाद जंक्शन तक की वो 1762 किलोमीटर के करीब जो है ट्रेन कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ अजीमाबाद एक्सप्रेस की ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।